सुशांत सिंह राजपूत के मामले में खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस ले लिया है। अब उनके विधानसभा चुनाव के कयासों को और हवा मिल गई। वहीं बिहार सरकार ने उनकी वीआरएस को मंजूर भी कर लिया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे किसी विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस को लेकर हमलावर दिखे थे। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर अपनी एक टिप्पणी को लेकर विवाद में भी आए। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती की इतनी औकात नहीं है कि वो नीतीश कुमार पर टिप्पणी करे। बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले भी पांडे ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें बक्सर से चुनाव टिकट नहीं मिला था, इसलिए अपना आवेदन वापस ले लिया था। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल 5 महीने बाद समाप्त होने वाला है। 31 जनवरी 2019 को उन्हें बिहार का डीजीपी बनाया गया था। राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल 28 फरवरी 2021 को पूरा होने वाला है। और इस बीच गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक गुप्तेश्वर पांडे ने अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया। उन्होंने वीआरएस मिलने की खबर मीडिया में आने के बाद ट्वीट कर कहा कि आज सोशल मीडिया पर लाइव आएंगे। उन्होंने ग्राफिक्स प्लेट में अपनी तस्वीर भी लगाई जिसमें वो किसी नेता की तरह नजर आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले अपने पद से वीआरएस लेना एक सियासी उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।